हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस ड्रीम लैंकिंग में फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले गाइस गोल्डन स्टेट वॉरियर्स वर्सेस मेम्बाना ग्राजिल्स के बीच जो आज का जो एनबीए का जो आज का जो फर्स्ट मैच खेले जाना है। तो देखते वाले क्या लाइनअप, क्या दोनों टीमों की तरफ से क्या लाइनअप मिलता है और क्या स्टार्टिंग स्टार्टिंग रहने वाली है दोनों की तरफ से। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि गाइज मैं यहाँ आपको एनबीए की अच्छी 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 टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। गाइज मैंने कल गाइज मैंने एक ही मैच की टीम दी थी, फर्स्ट मैच की, सेकेंड मैच की इसलिए नहीं दी थी, जो लैंकर्स वर्सेज विजर्ड के बीच जो कल का जो सेकेंड मैच था उसकी मैंने टीम अपलोड नहीं करी थी। उसका पीछे रीजन गाइज जो, क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि जो मैच हमारे लिए बेस्ट है वही मैच मैं इस चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। पर जो मुझे लगता है कि इस मैच में सही लाइन नंबर दोनों टीम में, दोनों टीमों का, और इस मैच में हम लॉस रिकवर कर सकते हैं, इसलिए गाइज वही टीम में देता हूँ जिस मैच में हमका हमारा लॉस रिकवर हो सकता है। इसलिए गाइज अब मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यूट्यूब में मेरे लिए मतलब यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए हर वीडियो अपलोड करूँ। मेरा मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको वन कराना है, जो कि ड्रीम इलेवन में हाँ तुम तो हाँ बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गवाते बैठे। इसलिए गाइज जो जिन जिन मैंने ड्रीम इलेवन में आप अपना लॉस किया है वो सभी का आप लॉस बंद हो जाएगा और आज से आपका लॉस रिकवर चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको करना ही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलते चार लाइनअप पिन लाए दोनों टीमों की तरफ से, तो सीधा चलते हैं स्टार्टिंग की तरफ। तो गाइस ब्राजील की तरफ से गाइस इसमें में स्टार्टिंग है कोलबो रहेंगे, फिर हॉलीडे रहेंगे, वॉन्सियस रहेंगे, फिर और ड्रोसर और डी राइट। ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग रहने वाली स्टार्टिंग फाइव गाइस इनकी। हम देखते हैं इस वॉरियर की, तो वॉरियर की तरफ से केविन ड्यूरेंट रहेंगे, ग्रीन रहेंगे, बॉट इस मैच में गाइस इनको लिया है डी कॉशियस की तरफ। इस मैच में बोल रहा हूँ डी कॉशियस इस मैच में डाउटेबल रहने वाले, बॉट या डी कॉशियस इन दोनों से क्यों मौका दिया जा सकता है। क्लि थॉमस और स्टेपन गैरी, और स्टेपन गैरी की भी इस मैच में अबसे हो चुके गए, पिछले मैच में इंजर्ड थे इसलिए पिछले मैच वाला नहीं खेलेंगे आए, लेकिन जिस मैच में इनकी वापसी हो चुकी है 100% इनका न्यूज आ चुकी है, वही इस मैच में खेल तो मिल जाएंगे। फिर बेंच पर देखो तो बेंच पर ब्राजील की तरफ से परसो रहेंगे, रब्बा रहेंगे, कार्टर और वॉशबर्न, और वॉरियर की तरफ से लाइम स्टोन, क्यूक, जेकरो, लोया, बेल और मैकाओ रहेंगे बेंच पर गोल्डन टेस्ट वॉरियर की तरफ से। गाइस प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, अगर आपका ही फायदा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आईपीएल की मैच की वीडियो अपलोड नहीं की और करूँगा भी नहीं गाइस, क्योंकि तो आप लोगों का सपोर्ट ही नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं और सपोर्ट भी नहीं करते। गाइस मैं आपको अगर हम लोग तुम लोगों ने मेरी पिछली आईपीएल की वीडियो देखी होगी तो मैंने बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो तीन चार बेजोर तीनों हमने वन किया गया आईपीएल की। इसलिए गाइस मैंने चैनल में अगर मैं आप टेलीग्राम चैनल ओपन करने वालों का उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी देर में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ मैं आपको आज से भी क्रिकेट की टीम दूंगा, तो उसके साथ एनबीए की जो जो अपडेट आती है लास्ट मिनट में और कोई कोई चेंज होता है वो चेंज भी आपको एडिट करके नई टीम बना कर दूंगा, इसलिए थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक होगी। तो साथ ही सीधा चलते टीम की तरफ। तो गाइस पावर रनिंग में स्टेपन गैरी के साथ जा रहा हूँ। आपके लिए गाइस बताना चाहता हूँ, एम कॉलेज में आउट हो चुके हैं इनके, अभी न्यूज आए इंजर्ड का, डाउट फिर वगैरह, डी राइट वाला मैच नहीं खेलेंगे, इनको मत ट्राई करना। फिर क्यों कुछ मैच में एल स्टैंड बेंच पर अवेलेबल है, फिर और जे कार्टर भी इस मैच में बेंच पर अवेलेबल है, इसलिए आपकी अच्छी चीज बोलते गाइस इस मैच में अच्छी चीज स्टेपन गैरी होने वाली है पावर रनिंग में। फिर सेकेंड चॉइस आपके लिए गाइस क्यों कुक भी अच्छी चीज हो सकती है और डी राइट भी आपके लिए अच्छी चीज हो सकती है। फिर आते गए शूटर, तो शोल्डर रन में क्ले थॉमस में अवेलेबल है, ए बैरली आउट हो चुके हैं, जे हॉलिडे और टी डोसर एक साथ में जा रहा हूँ। आपके लिए डीली भी अवेलेबल है, जे इवन भी इस मैच में अवेलेबल बेंच पर गाइज, इसलिए गाइज मैं सिंपली गए जे हॉलिडे और टी डोसर के साथ जा रहा हूँ सिर्फ क्रेडिट मेंटेन करने के लिए। आपके लिए क्ले थॉमस अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन ये बंदा फुल्ली आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, मतलब इसका फॉर्म बहुत ही खराब है, इसलिए साथ नहीं जा रहा हूँ। फिर आते हैं शोर स्मॉल फोर्ड, तो स्मॉल फोर्ड में केविन ड्यूरेंट और बिग कोलम के साथ जा रहा हूँ, जो कि स्टार्टिंग में रहेंगे ब्राजील की तरफ से। आपके लिए गाइस बता रहा हूँ कि एंडरसन अवेलेबल नहीं है,
लव डाला भी इस मैच में आउट हो चुके हैं। प्लेयर स्लीपर से अवेलेबल है, एम ए कॉबे अवेलेबल है और वॉशबर्न इस मैच में अवेलेबल नहीं है। आपके लिए अच्छी चॉइस बढ़ते हो, स्लीपर से भी इस मैच में अच्छी चॉइस हो सकती है। इसलिए मैं फिलहाल बहुत दोनों बेस्ट प्लेयर के साथ जाऊँ, केविन डुरंट और बेकॉन के साथ। फिर आते हैं पावर फंडिंग, तो पावर फंडिंग में डिग्रीन और जे बोकरो के साथ जा रहा हूँ। आपके लिए चॉइस की बढ़ तो जे रक्षण इस मैच आउट हो चुके हैं जिनकी ने। फिर आर अवेलेबल है, ये नहीं खेलेंगे और ये हम डेट्स को सन भी नहीं खेलेंगे वाला मैच। इसलिए आपके लिए अच्छे चेस बोले तो डिगिन और जे जे बेकरो भी हो सकती है। फिर आते हैं सेंटर पे, मैं सेंटर में सबसे बड़ा सेंटर जे वन साथ ही जा रहा हूँ। आपके लिए अगर बता रहा हूँ डिकोशिस इसमें भी आउट हो चुके हैं, इनकी न्यूज़ आ चुकी है या अभी तक, फिर भी इनकी कोई न्यूज़ आने का बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। जे नौ इस मैच में आउट हो चुके गए, केलो इस मैच में आउट हो चुके, डिजोंस आउट हो चुके। जे बेली इस मैच में आपको लोग खेलते मिलेंगे, ग्रैंड लीग के अच्छे हो सकते हैं सिर्फ जे बेली। और रोबोट भी इस मैच में स्टार्टिंग में रहने वाले गोल्डन स्टेट वॉरियर की तरफ से, क्योंकि डिकॉशियस इंजर्ड हो चुके हैं। इसलिए तभी भी अगर कोई न्यूज़ आने के बाद बता दूंगा, इसलिए जे बेली और एबॉट आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। फिर देखते हैं हमारा स्टार पेयर, तो अगर स्टार पेयर में स्टेप पेन करेगी साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी चॉइस है। सेकंड चॉइस पे केविन ड्यूरेंट, लेकिन इनका आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। इसलिए अगर केविन ड्यूरेंट की बात करूँ तो केविन ड्यूरेंट फुली आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। इसलिए अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो अगर ग्रैंड लीग में केविन ड्यूरेंट को आप एसपी बना सकते हैं। अगर ये बंदा फॉर्म में आ चुका तो आपको ग्रैंड लीग भी जिता सकता है। तो फिर चलिए टीम प्रीव्यू, तो मैं स्टेप पेन करी, जे हॉलीडे, टी डोसरा, केविन ड्यूरेंट, बी कोल्बो, डी गिरिन, जे जोकरो और जे अविन कक्ष के साथ जा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना ग्रो, क्योंकि हाँ मैं आपको यहाँ से अच्छी चार से लॉस रिकॉर्ड वाली वीडियो ही लाता रहता हूँ। गज मैं थोड़ी देर में आप टेलीग्राम चैनल ओपन कर दूंगा और उसकी लिंक कल कल या आज दूसरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना।